हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सर्विस संचय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग ड्रीम इलेवन में एक अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, ड्रीम इलेवन में तो हम लोग सबको ही अच्छा एक टीम बना लेते हैं, लेकिन वो टीम हमेशा लाखों के रैंक में होती है। तो हम लोग क्या करें कि हमारा टीम 1 से 10 के अंदर रैंक में आ जाए और हम एक अच्छा पैसा ड्रीम इलेवन से जनरेट कर सके, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, ड्रीम इलेवन में देखिए प्रॉब्लम यही होती है कि हमने इसमें सही स्ट्रेटेजी अपने नहीं लगाते हैं। हम लोगों को मालूम नहीं होती है कि कैसे कौन से प्लेयर परफॉर्मेंस करेंगे, कौन रैंकिंग वन में बैटिंग करेगी, बैटिंग नंबर टू में बैटिंग करेगी, यानी कि बैटिंग ऑर्डर हमें पता नहीं, बॉलिंग ऑर्डर हमें पता नहीं। इस कारण से हम एक परफेक्ट टीम नहीं बना पाते हैं। तो मैं एक ऐप बता रहा हूँ, देखिए मैंने इसे ओपन किया है, यह है पॉसिबल इलेवन। इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप से हमें पता चल जाता है हमारे जो टीम हम बनाएंगे, जिसमें देखिए यहाँ पे बहुत सारे जितने भी मैचेस हो रहे हैं उसके सारे यहाँ पे टीम दी हुई है। चलिए मैं एक टीम जो हम मैच में अभी पैसे लगा रहे हैं उसके मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे अभी पॉसिबल प्लेयर 11 लिखी हुई है। इसमें जैसे ही टॉस हो जाएगी यहाँ पर कन्फर्मेशन ग्रीन लाइट जल जाएगी और हमें परफेक्ट टीम मिल जाएगी मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले इस ऐप में। इसके अलावा आपको बहुत कुछ और भी मिल जाएंगे, जैसे कि किस पर प्लेयर ने कैसे परफॉर्मेंस कर रही है और कैसे खेल रही है, कौन सा प्लेयर फॉर्म में है और कौन सी नहीं है, बहुत कुछ इस ऐप में आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत सारे यहाँ पे टीम भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको नीचे टीम वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपको वहाँ टीम भी बहुत सारे मिल जाएंगे जो बेस्ट टीम है, लेकिन हमें उसको नहीं देखना है, हमें अपना टीम बनाना है। तो यहाँ पे और भी फीचर है, मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको पिच रिपोर्ट पे आना है। जी हाँ दोस्तों, हमें पिच रिपोर्ट पे आना है। पिच रिपोर्ट में हमें पता चल जाता है कि हम जिस मैच में पैसे लगा रहे हैं उस वो मैच जिस पिच पे हो रही है वो बैटिंग फ्रेंडली है या बॉलिंग फ्रेंडली है। देख लीजिए यहाँ पे और भी हेड टू हेड में किस प्लेयर किस टीम ने कितनी मैचेस जीती है वो भी है। यहाँ पे पिच रिपोर्ट देखिए आ गई, इस पिच पे कितने बार ये जो भी हुई है खेल हुई है तो उसमें कितने बार बॉलिंग करने वाले जीते हैं फर्स्ट में और कितने बार फर्स्ट बैटिंग करने वाले जीते हैं, इसमें सारा रिपोर्ट हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये सारा स्ट्रेटेजी को हमें लगाना है और एक पेन पेंसिल से आप इसे नोट करते रहना अपने डायरी पे। और भी देख लीजिए, इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको कौन से प्लेयर को मस्टली रखना चाहिए और किसी को नहीं रखना चाहिए, ये सारा प्रेडिक्शन यहाँ पे दी हुई है। आप इस ऐप से अपने टीम के लिए एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए बात वापस हम लोग ड्रीम इलेवन पे आते हैं। इसमें ड्रीम इलेवन में एक और अच्छी फीचर भी ऐड हुई हुई है। ठीक टॉस होने के बाद या फिर कह लो मैच शुरू होने से 25 मिनट पहले आपको यहाँ ग्रीन लाइट एक नज़र आती है लाइनअप आउट। इस लाइनअप आउट में आपको क्लिक करना है और वापस से अपने टीम पे आ जानी है जो आपने टीम बनाई है। यहाँ पे देखिए माय कॉन्टेस्ट के बाद माय टीम है, माय टीम पे गया। यहाँ पे चलिए मेरी एक टीम है जो मैंने लगाया हुआ है वो दिखेगी, पेंसिल वाला आइकॉन में क्लिक करके हम लोग एडिट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि हमने जितने भी प्लेयर को सिलेक्ट किए हैं वो सभी ग्रीन लाइन पे है ना, कोई रेड लाइट पे तो नहीं है। ये देखिए यहाँ पे रेड लाइट में भी है बहुत कोई, ये रेड लाइट वही है जो प्लेयर प्ले नहीं कर रही है, जो खेल नहीं रही है, और ये ग्रीन लाइट वही है जो खेल रही है। कई बार हम लोग बहुत अच्छी टीम बना लेते हैं, बाद में पता चलता है कि वो प्लेयर तो खेल ही नहीं रहा था जिन्हें हमने सेलेक्ट किए थे, और हमें कुछ भी नहीं मिलता है और हमारे रैंक लाखों में चली जाती है। तो इस तरह से एक बेस्ट टीम हम लोग बना सकते हैं, और इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कॉमेंट